आप भी पहन लीजिए मेरी तरह एक पार्टी आउटफिट और हो जाइए रेडी। बस ये पार्टी तो आपको कर देगी टोटली रिचार्ज, क्योंकि देखिए हम तो लेकर आते हैं रोजाना एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़, और यहाँ तो आपके चेहरे पर भी आई गारंटी यू आ जाएगी एक प्यारी सी मुस्कुराहट। नयन तारा के साथ हादसा, सम्राट की गाड़ी के नीचे आई नयन तारा। क्या हो जाएगा सम्राट और नयन तारा का मिलन? स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते में नयन तारा पहुँच गई है अपनी दोस्त नित्या से मिलने के लिए, जो आज नयन तारा को सुनाने वाली है गुड न्यूज, जिसे सुनकर नयन तारा के चेहरे की खुशी भी दुगनी हो जाती है। दोनों सखियां आपस में बात करके जा ही रही होती हैं कि तभी नयन तारा दूर से देख लेती है अपने सम्राट को। बस फिर क्या, इसी चक्कर में नयन तारा के साथ हो जाता है हादसा और वो जाने अनजाने आ जाती है सम्राट की गाड़ी के नीचे। भाई नयन तारा के लिए वहाँ कोई आए ना आए, लेकिन अर्जुन पहुँच जाता है, जो ना सिर्फ सम्राट के ड्राइवर पर नाराज होता है बल्कि सम्राट पर भी अपना गुस्सा दिखाता है। बात को संभालने के लिए सम्राट अर्जुन की नैने से मिलने जाता ही है कि वहाँ से नयन तारा हो जाती है गायब, और फिर से नयन तारा सम्राट एक दूसरे के सामने आने से रह जाते हैं। तो यहाँ पे नैने मतलब नयन तारा जो है, नयन जिन्हें अर्जुन नैने बुलाता है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट हुआ और मैं फिर जाके झगड़ा करता हूँ सम्राट से। अब नयन सम्राट ऑलमोस्ट एक साथ हैं और मैं झगड़ा कर रहा हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है। भाई अर्जुन तो अपनी नैने का बहुत ख्याल रखता है, और रखे भी क्यों ना, उसका दिल नयन तारा की बेटी पर जो आया है। असल में अर्जुन और काश्वी बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों ने साथ में कॉलेज में अपना नाम लिखवाया है, लेकिन लिस्ट में काश्वी का नाम नहीं होता, जिसे काश्वी उदास हो जाती है, लेकिन अर्जुन उसे एडमिशन के लिए मनाने की कोशिश करता है। अरे काश्वी यार, how is this even possible? हमने साथ में मिलकर डिसाइड किया था ना कि जे जे कोचिंग सेंटर में साथ में एडमिशन लेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे, तुम्हारे बिना मैं नहीं पढ़ सकता यार, प्लीज एडमिशन ले लो। तुम एडमिशन नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे घर कैसे आऊंगा, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा तो उसे देखूंगा कैसे मैं? भाई काश्वी को लगता है कि अर्जुन उससे प्यार करता है, इसीलिए वो उसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि अर्जुन का दिल काश्वी पर नहीं बल्कि काश्वी की बहन महिमा पर आया हुआ है। उसी में बेसिकली मेरी नजरें काश्वी का इंतजार कर रही हैं, मेरा दिल किसी और का इंतजार कर रहा है, और ये सारा सब कुछ होते हुए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हमने जो कोचिंग सेंटर में एडमिशन हमें लेना था उसका फीस भरना था, तो काश्वी को पैसे की प्रॉब्लम हो गई है और वो एडमिशन ले नहीं पा रही है। अब वो एडमिशन नहीं ले पाएगी तो वो मैं और काश्वी मिल नहीं पाएंगे, मैं और काश्वी मिल नहीं पाएंगे तो मैं काश्वी के घर नहीं जा पाऊँगा, काश्वी के घर नहीं जा पाऊँगा तो मैं जिसे देखना चाहता हूँ दिल से उसे नहीं देख पाऊँगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। भाई काश्वी के दिल में तो अर्जुन के लिए बेनतहा मोहब्बत है, इसीलिए उसने जैसे तैसे कर जुगाड़ कर लिया है अर्जुन के साथ कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने का। अब देखना होगा कि जब काश्वी को सच का पता चलेगा तो काश्वी का दिल टूटेगा या फिर वो अपनी बहन का रिश्ता अर्जुन से जोड़ेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।